यहाँ पे गाइस पूरा जंगल है इस साइड में और ये स्टेशन की तरफ जाता है शॉर्टकट रास्ता, आप आगे आपको बताऊंगा। एंड गेस व्हाट, यहाँ पे भी एक वेंडिंग मशीन है। ये रास्ता जो है भाई ये स्टेशन की तरफ जाता है, ये शॉर्टकट रास्ता है। मैं भी यही प्रीफर करता हूँ मोस्टली, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं रहती, तो इसलिए मैं मोस्टली इसी रास्ते से स्टेशन की तरफ जाता हूँ। और भाई इसके राइट साइड में एकदम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये डीप फॉरेस्ट है। इसकी जो एंट्रेंस है यहाँ से पीछे 5 किलोमीटर दूर है, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा जंगल होगा ये। और इसकी जो यहाँ से एग्जिट पॉइंट भी है वो भी काफ़ी दूर है। और भाई ये है वन ऑफ द एग्जिट आई थिंक, मतलब बीच में से अगर किसी को जंगल से बाहर आना है तो यहाँ से आ सकता है। बाकी देख सकते हो आप कितना अंधेरा है अंदर से, तो मैं अभी जाना बिल्कुल प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी है, लाइक सांप वगैरह है, बाकी तो बड़े जानवर नहीं है यहाँ पे। तुम्हें यही लग रहा है ना कि मैं वीडियो के लिए भाग रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं तो बस व्यूज के लिए भाग रहा हूँ। जापान में गाइस पता है कचरा किस चीज़ का होता है? ऑटम लीव्स का। इसीलिए लोग अभी लगे पड़े हैं कचरा साफ करने के लिए, क्योंकि अभी जापान में ऑटम चल रहा है और काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हो कि कलरफुल लीव्स ही दिखते हैं चारों तरफ, तो बहुत मज़ा आता है देखने को। और ये शायद मैपल ट्री है क्योंकि इसकी लीव्स थोड़ी बड़ी है। बाकी बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी ऑटम सीजन चल रहा है और जो व्यू हो रहा है भाई साहब नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरा ये पर्सनली फेवरेट सीज़न है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस सीज़न में। बाकी पिछले वीक हम गए थे ऑटम लीव्स देखने, हालांकि मैंने वहां का व्लॉग नहीं बनाया सैडली क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट मैंने कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं तो आप वो शॉर्ट्स देखो। तो अगर आप जापान आने का ट्रिप बना रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप या तो ऑटम में आओ या फिर स्प्रिंग में आओ, क्योंकि जो ये दो सीजन है बहुत ज़्यादा अमेजिंग व्यू होने वाला है गाइस। मतलब मेरा पर्सनली ये दो सीज़न बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसलिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि या तो आप ऑटम में आओ या फिर स्प्रिंग में आओ। और गाइस अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, भाई बहुत धूप है यार, तो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, ये रहा मेरा यूज़र नेम, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के सामने कूल बनना है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं ये नहीं बोलना था क्या? और आज गाइस वीडियो के चक्कर में एक छोटा सा नुकसान हो गया, वी ब्रोक द ब्रेक वायर। और एक चीज़ आपने नोटिस करी है, जापान में हर 100 से 50 मीटर पे आपको वेंडिंग मशीन्स दिखेगी, मतलब जो आपको पीना है खाना है जो भी करना है आप यहाँ से लेके खा पी सकते हो। भाई मैं तो बहुत थक गया साइकिल चला के। जापान में पता है कितनी वेंडिंग मशीन्स है? ओवरऑल जापान में ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन वेंडिंग मशीन्स है, सबसे ज़्यादा आई थिंक US में है, उसके बाद जापान में है, आई डोंट नो पूरा मुझे डेटा मुझे भी नहीं पता, बट 5.5 मिलियन मतलब 55 लाख वेंडिंग मशीन्स बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा। बाय द वे आज का वीडियो आपको पता लग ही गया होगा कि किस चीज़ पे होने वाला है, इट्स गोना बी अबाउट एनिमे वर्सेस रियलिटी। आज तुम्हें मैं इस वीडियो में ऐसी ऐसी जगह दिखाने वाला हूँ जिन्हें देख के तुम भी मुझे यही कहोगे कि भाई तुम तो लिटरली एनिमे लाइफ जी रहे हो यार, क्योंकि मेरा हर कोई इंडियन फ्रेंड मुझे यही बोलता है कि भाई तू तो एनिमे लाइफ जी रहा है। और शॉकिंग चीज़ पता है क्या है कि मैं एनिमे नहीं देखता। गाइज एनिमे वर्सेज रियलिटी में मैंने अब तक जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा कनेक्ट किया ना रियलिटी को एनिमे से, वो है जापान के घर और जापान की सड़कें। मतलब लिटरली जब तुम जापान के सड़कों पे वॉक करते हो ना, तुम्हें ऐसा फील होता है कि अगले ही गली में तुम्हें जियान नोबिता के पीछे भागता मिलेगा। मतलब मजाक से हटके इतना तुम कनेक्ट कर पाते हो, ऐसा फील होता है कि तुम लिटरली एनिमे में ही जी रहे हो।
भाई तुम्हें डोरेमोन का घर दिखाऊं? मतलब डोरेमोन जैसा घर, ये देखो डिट्टो वैसा का वैसा, नहीं लग रहा? मतलब पूरी एनिमे वाली फील आ रही है इसमें तो। एंड ये देख लो भाई, नोबिता का स्कूल एग्जैक्टली वैसा नहीं लग रहा जैसे नोबिता का स्कूल है? और एक चीज़ गाइज, आपने ये चीज़ निंजा हथौड़ी में पक्का देखी होगी क्योंकि ये एपिसोड पूरा उसी चीज़ का था, तो मैं होप करता हूँ कि आपने वो चीज़ देखी होगी। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है वो। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ ये है वो चीज़, आपने निंजा हथौड़ी में पक्का देखी होगी, इसमें जिसमें वो बजाते हैं ना घंटा, इसको मतलब इस चीज़ से, ये जो भी है अपने हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं इसको, बट न्यू ईयर के दिन इसको बजाते हैं, ये पूरा घंटा है बड़ा सा। तो मोस्टली ना गाइज, जापान में लोग टेंपल में जस्ट शांति के लिए आते हैं, मतलब ऑब्वियसली शांति का प्रतीक होता है मंदिर, तो यहाँ पे बस बैठते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है मंदिर में, जापान के मंदिर बहुत से, मतलब आपने देखे होंगे ना इंडिया में तो बहुत भीड़ होती है, बट यहाँ के मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होती, तो आप आके रिलैक्स कर सकते हो, चिल कर सकते हो। बाकी इसके पीछे ही जस्ट ग्रेवयार्ड है, और गाइज मैं धीरे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास और भी लोग हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी मैंने आपको जो दिखाना था वो दिखाई दिया, ये घंटा, ये शायद न्यू ईयर के दिन बजता है, तो न्यू ईयर के दिन आएंगे और उसका व्लॉग मैं अलग से बनाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पर देख लेना।